आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने शनिवार को एक और उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस बार पार्टी ने 16 उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगी है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था, जो भाजपा उम्मीदवार किरण खेर से 46,970 वोटों से हार गए थे। बता दें कि मनीष तिवारी की सीट बदल दी गई है, वह फिलहाल श्री अनंतपुर साहब से सांसद थे, इस बार चंडीगढ़ से लड़ेंगे। पूर्व में लुधियाना से भी सांसद रह चुके हैं, इस बार तिवारी यहां से भाजपा के संजय टंडन को टक्कर देंगे। मनीष तिवारी इससे पहले वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भी चंडीगढ़ की सीट पर अपने दावेदारी पेश करते रहे हैं। इस दौरान यहां विभिन्न कार्यक्रम बैठकों में शामिल हुए। इस बार पिछले कुछ समय से उन्होंने शहर में अधिक गतिविधियां बढ़ा दी थी, यहां तक कि उन्होंने सांसद निधि कोष से शहर के कई काम भी करवाए। इनमें पार्कों में ओपन एयर जिम और बेंच लगवाने समेत अन्य काम शामिल थे। मनीष तिवारी के उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस में अंतर्कलह फैल गई है। एक के बाद एक लगातार 30 से ऊपर कांग्रेस के बड़े बड़े ओहदेदारों ने अपने फैसले पार्टी हाईकमान को भेज दिए हैं। पहले आपको टिकट मिली है, 36 कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया है। ऐसा है कि आप देखेंगे हमारे साथी ही नहीं विरोधी भी। सर एक बड़ा नेता चंडीगढ़ बता दीजिए इसके लिए। ऐसा है, मैंने कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना। इन सब में सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ से अपने दावेदारी पेश ही नहीं की। मनीष तिवारी के कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होते ही चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। एक के बाद एक लगातार 24 घंटों के भीतर ही 36 से ऊपर कांग्रेस के अहदेदारों ने अपने इस्तीफे पार्टी हाईकमान को भेज दिए हैं।